हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ मसाला खस्ता पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम एक चम्मच घी लेंगे, आधे चम्मच हम नमक डालेंगे, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच हम चाट मसाला डालेंगे और भुने हुए जीरे का पाउडर हम आधा चम्मच डालेंगे और थोड़ी सी एक चौथाई चम्मच हम अजवाइन लेंगे, जिसको कि हाथ में इस तरह से क्रश करके डाल देंगे और हरी धनिया की पत्ती डालेंगे और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा मसाला तैयार हो चुका है पराठे पे लगाने के लिए। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब पहले हम आटे का डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कप आटा लिया हुआ है और इसमें आधा चम्मच हम नमक डालेंगे और 4 छोटे चम्मच हम देसी घी डाल देंगे। तो इसकी वजह से हमारा जो पराठा है वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होगा। अब हम सभी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हमें डो तैयार करना है। तो बिल्कुल नॉर्मल सा डो जैसे हम पराठे का बनाते हैं, सेम उसी तरीके से हमें इसका डो तैयार कर लेना है और इसमें पानी उतना ही डालेंगे जितना कि आटे में ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आटे का जो डो है हमारा रेडी हो चुका है और बहुत ही अच्छे से हमने गूंद करके इसे रेडी कर लिया है। अब हमें एक लोई लेनी है। तो जितनी हम पराठे के लिए लोई लेते हैं उतनी ही लोई लेनी है और लेकर के इसे हमें बिल्कुल रोटी की तरह बेल लेना है। तो इसी तरीके से हमें इसे बेल करके रेडी कर लेना है। तो जितनी बड़ी रोटी बनाते हैं उतनी ही बड़ी बेल लेना है। तो यहाँ पे रोटी हमारी बनके तैयार हो गई है और जो मिक्सचर हमने बना करके मसालों का रखा था उसको इस तरीके से हम पूरे पराठे पे लगा देंगे। फ्रेंड्स, ये जो मसाला खस्ता पराठा बनता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है। इसको एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और नाश्ते के लिए बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी है। बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप इसे दे सकती हैं। अब इसमें हम चीज़ स्लाइस लगाएंगे और बीच में से इस तरीके से हमें कट कर देना है। तो चीज़ की जो स्लाइस हमने ली है आधी पीस ली हुई है और अब इसको हम इस तरीके से राउंड कर देंगे और ट्रायंगल शेप में इसको बना लेंगे। हम इस तरह से कवर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पराठे का ट्रायंगल शेप हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा हुआ आटा हम डस्ट कर देंगे और इसे पराठे की तरह हमें बेल लेना है। अब इसको हमें बहुत ही हल्के हाथ से बेलना है, प्रेशर इस पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं तो इसकी जो परतें हैं वो सही से खुल नहीं पाती हैं। बस इस तरीके से हल्के हाथ से हमें पराठे को बेल लेना है। तो यहाँ पे पराठा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इधर हमने तवे को गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पर और मीडियम फ्लेम पर ही उलट पलट करके हमें पराठे को बना लेना है। 2 चम्मच देसी घी डालेंगे इसमें हम, दोनों साइड से 2-2 चम्मच लगाएंगे देसी घी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें पराठे को बहुत ही आहिस्ते से पलटना है और दूसरे साइड भी हम देसी घी लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही पराठे को हमें दोनों साइड से उलट पलट करके पका लेना है। तो देख सकते हैं आपकी पराठा कितना ज़्यादा खस्ता बनके तैयार हुआ है। तो इस तरीके से हमें उलट पलट करके दोनों साइड से बहुत ही खस्ता सा पराठा बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पराठा आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मेरा पराठा बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया सी परत इसमें आई हुई है और इसको तोड़ के भी हम दिखा रहे हैं आपको कि देख सकते हैं आपकी कितना खस्ता सा पराठा तैयार हुआ है। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।